हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है फ्रेंड्स। आज का वीडियो अगर आपने समझ लिया तो आपको ऐप्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आज आपको खुद में अपने बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज को मैं ऐड करता हूं अपने वर्कआउट में, क्या क्या चीज को मैं अवॉइड करता हूं फ्रेंड्स, और यू नो एक मैं किस तरह का वर्कआउट करता हूँ, आपको किस तरह से वर्कआउट करना है फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये बताऊंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जो को अपने बॉडी फैट परसेंटेज को समझते नहीं और वो क्रंचेस पे क्रंचेस लगाते रहते हैं फ्रेंड्स, और वो सोचते हैं कि मेरा एब्स नहीं बन रहा फ्रेंड्स, तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक का, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करने का जरूर सोचिए, और मैं आपको इसी वीडियो में फ्रेंड्स करके भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो क्या क्या ऐसा एक्सरसाइज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये स्टेज 4 नंबर टिप जो है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसी के लिए वीडियो को अच्छे से और ध्यान से समझना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सरसाइज सिलेक्शन, आप क्या गलती करते हैं, आप उन सब एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में बहुत ज्यादा ऐड कर लेते हो जिसकी वजह से आपका मतलब कोई उतना फायदा नहीं होता जो आपको होना चाहिए, और आप उन सब एक्सरसाइज को मतलब वो आप अवॉइड कर देते हो जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एक एक्सरसाइज में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका जिसे हम मोस्ट ऑफ द कॉमन एक्सरसाइज जिसे हम प्लैंक के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये प्लैंक जो है ना ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये आपके ओवरऑल बॉडी पार्ट के जो जॉइंट है ना वो उसमें सब इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स, और ये आपके मल्टीपल मसल को फ्रेंड्स टारगेट करता है, क्योंकि इसमें मतलब किसी तरह का आपका इक्विपमेंट्स का जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ ये वर्कआउट मतलब उन लोगों के लिए, ये प्लैंक पोजीशन उन लोगों के लिए भी है जिसका बैक बोन पेन रहता है फ्रेंड्स, उसका के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर मैं प्लैंक की बात करूं तो आपको अगर आपके पास एज योर विश आपके पास अगर इस तरह का कोई मैट है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं भी है तो भी चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेटअप और पोस्टर की, तो देखिए सबसे पहले आपको अपने फोर आर्म्स को दोनों को फ्लोर में लेके जाना है, देखिए इस तरह से, उसके बाद आपको दोनों नीज को रखना है यहाँ पर ही फ्लोर पे, और देन पीछे आपको लेग को लेके जाना है देखिए इस तरह से, दिस इज प्लैंक पोस्चर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये आपके इतना इफेक्टिव है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने खुद जब वर्कआउट को स्टार्ट किया था तो फ्रेंड्स मेरा खुद भी मतलब ना कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, बल्कि मेरा भी थोड़ा सा पेट दिखता था, बहुत ज्यादा स्टोर कैलोरीज मेरा भी था, तो मैंने धीरे धीरे करके ये प्लैंक होल्ड से ही मैंने किया फ्रेंड्स, ये बहुत इफेक्टिव है, ये प्लैंक होल्ड जो ये बहुत इफेक्टिव है। इसका आप साइड प्लैंक होता है यू नो ये प्लैंक होता है, तो ये सब जब तक आप ऐड नहीं करते हो अपने वर्कआउट में फ्रेंड्स तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने फोर आर्म्स को रखा, उसके बाद अपने लेग को लेके गया, देखिए दिस इज प्लैंक पोस्चर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए मेरे दोनों लेग बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखा मैंने, देखिए बल्कि क्लोज रखा हूं, देखिए इस तरह से क्लोज रखा हूं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा हिप जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे अप उठा हुआ नहीं है या बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, देखिए इस तरह से मैंने नहीं किया, देखिए या बहुत ज्यादा ऐसे डाउन नहीं रखा फ्रेंड्स, स्ट्रेचिंग नहीं करना है मुझे, क्योंकि देखिए इसका मेन मकसद ही यही होता है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का कि आपको मतलब कि आपको बस बैलेंस बना के रखना है, और आपको यू नो पूरा मतलब देखिए इस तरह से आपको रखना होता है, बिल्कुल सीधा रहेगा आपका हिप, बहुत ज्यादा थोड़ा सा हिप है तो ऐसे उठे रहेगा, बट आपको अपने से मतलब कुछ ये नहीं करना है, देखिए आपको अपने से बहुत ज्यादा उठाना है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं करना, बस आपको एक फ्लो बना के रखना है। तो देखिए हिप हो गया हमारा, लेग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका ब्रीदिंग किस तरह से रहेगा, जैसा आप नॉर्मल ब्रीथ आप लेते हो फ्रेंड्स उसी तरह से आपको रखना है, आपको बहुत ज्यादा लंबा टांग के या बहुत हल्का से नहीं लेना है, बल्कि नॉर्मल आप जैसे रखते हो आप रख ले। तो देखिए नॉर्मल ब्रीथ हो गया, उसके बाद आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको अपनी बॉडी को लूज नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, अगर आपने लूज छोड़ दिया तो वो आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल वो बेकार हो जाएगा, देखिए इस तरह से अगर आप जो है कोई भी बॉडी पार्ट प्लैंक होल्ड करते हो तो आपको बॉडी को लूज नहीं रखना है, बल्कि एकदम फिक्स बना के रखना है अपने बॉडी को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा पाओ इस एक्सरसाइज का। तो देखिए अगर मैं बात करूं पोस्टर की तो ये हो गया, और यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है फ्रेंड्स कि मेरे शोल्डर
और एल्बो की लाइन दोनों बराबर है, बहुत ज्यादा मैंने अपने आगे नहीं रखा हूं या बहुत ज्यादा पीछे नहीं रखा हूं। अगर आगे पीछे रखने की वजह से होता क्या है कि आपका बॉडी जो शोल्डर है उसमें इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने सीधा रखा हूं अपने एल्बो और शोल्डर की लाइन को, बिल्कुल मैंने बराबर रखा फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स प्लैंक का, ये था मेरा कंपाउंड मूवमेंट। तो इसी को आपको समझना है फ्रेंड्स, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप होल्ड पोजीशन को आप अपने वर्कआउट पे ऐड करते हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऑलराइट, अब बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर टू पे आते हैं। देखिए आपको सुपर सेट करना है फ्रेंड्स। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि आपको बैक टू बैक, जैसे कि आपने प्लैंक पोजिशन में आपने 45 सेकंड आपने प्लैंक पोजिशन पे रहा, उसके बाद आपको तुरंत बैक टू बैक थोड़ा सा रिलीज नहीं करना है। जैसे कि 45 सेकंड आपने होल्ड करके रखा प्लैंक को, उसके बाद आपको तुरंत चेंज करके आपको अदर एक्सरसाइज में जाना है, जैसे कि रशियन ट्विस्ट। इससे क्या होगा फिर गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर ही फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अपने सभी मैसेजेस का जवाब वहीं पर ही देता हूँ। कोई भी एक्सरसाइज हम जब करते हैं तो वो हमें धीरे 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 करते करते वो हमारे लिए आसान हो जाता है, इसलिए या तो आप उसका टाइमिंग को बढ़ा सकते हो या तो आप टाइमिंग बढ़ाने से अच्छा ये होता है कि आप तुरंत ही बिना कोई रेस्ट किए हुए आप तुरंत दूसरे एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, अब जो आपका जो मकसद है जो एरिया को टारगेट करना वो अच्छे से टारगेट भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी के लिए आप कोशिश करें कि सुपर सेट ज्यादा से ज्यादा आप सुपर सेट करें फ्रेंड्स। और देखिए जब रशियन ट्विस्ट की मैंने बात करी थी तो देखिए रशियन ट्विस्ट जो है ये हमारा ऑब्लिक मसल को टारगेट करता है, जिस तरह से मैंने प्लैंक को लगाया तो मेरा कोर मसल टारगेट हुआ, उसी तरह से रशियन ट्विस्ट हमारे ऑब्लिक मसल जो ये हमारे बिस्किट के जो बगल में क्रीम लगे हुए है उसको टारगेट करता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आपको ऑब्लिक को टारगेट करना है, बट ध्यान आपको इसमें ये देना है आपको जब आप रेसेंट ट्विस्ट को करते हो तो आपको अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करना है। देखिए इस तरह से जैसे कि आपने डांस करते हुए किसी को देखा होगा तो उस तरह से पूरा ट्विस्ट करना है, ऐसे नहीं कि आपने हाथ थोड़े थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा आपको पूरा ट्विस्ट करना है अच्छे से ताकि वो आपका ऑब्लिक को टारगेट कर सके फ्रेंड्स। नाउ आप इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इसमें बिल्कुल नॉर्मल स्टडी फॉर्म में लगाना है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि बिल्कुल आराम से आपको लगाना है। देखिए अपने दोनों लेग को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने बैलेंस को बनाए रखना है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है बट ये आपके ऑब्लिक मसल के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो नंबर तीन पे आता है नेगेटिव बॉडी फैट परसेंटेज, जिसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को ना समझ के आप जब एक्सरसाइज करते हो बेसिकली देखिए आपको आपको अपने खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, आपको एक बैलेंस बनाना होगा फ्रेंड्स ताकि आप अपने एब्स को अपने मसल्स को आप टारगेट कर सको अपने फैट को बर्न कर सको फ्रेंड्स। ऐसे नहीं है कि आप एब्स बनाना चाहते हो और यू नो दिन भर आप जंक फूड्स ऑयली फूड्स एंड हाइजीन फूड्स खा रहे हो फ्रेंड्स और ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरा एब्स भी बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आपको बल्कि एक बैलेंस बनाना होगा, आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने किया और आपको भी करना है फ्रेंड्स। मुझे पूरा यकीन है कि आप करोगे फ्रेंड्स, आप कर सकते हो, तो आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है फ्रेंड्स। और डिसिप्लिन को फॉलो करना है खुद से वादा करना है कि हाँ मैं अपने फैट को कम करके मैं मसल को बना सकता हूँ, मैं एब्स बना सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है फ्रेंड्स, बल्कि ऐसे नहीं करना है कि दिन भर आप यू नो कुछ भी खाए जा रहे हो खुद से चीटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको एक बैलेंस बनाना है फ्रेंड्स और अपने रिक्वायरमेंट को समझना है कि मुझे क्या क्या चीज का मुझे लेना चाहिए मुझे क्या नहीं लेना चाहिए, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। और नहीं पता है तो मैं एक टॉपिक इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करिएगा। नाउ नंबर फोर और लास्ट पॉइंट है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जब भी एब्स का वर्कआउट करते हो तो आपको अपनी इस गंजी जो है ना ये गंजी को आपको यू नो आप क्या अपर बॉडी पे पहने हो आपको खोल के करना है फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो सके तो आपको खोल के करना है। अब इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप गंजी पहन के करते हो ना फ्रेंड्स तो आपको क्या होता है कि वो अंदर से फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि जब आप अपने फैट को देखते हो यू नो आप अपने फैट को जब देखते हो अपने स्टमक को देखते हो तो आपको अंदर से जो फीलिंग आता है ना फ्रेंड्स आप खुद ही समझ सकते हो। और इस चीज को मैंने अप्लाई किया हूँ फ्रेंड्स, इस चीज को मैं फॉलो किया हूँ,
तब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ही मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जब मैं गंजी पहन के जब मैं करता था मैं उतना सेट और रेपिटेशन नहीं निकाल पाता था, बट मैं जब गंजी को खोल के करता था ना फ्रेंड्स, जो अंदर से मुझे फीलिंग आ रहा था तब मैं करता था ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं मतलब करके फ्रेंड्स करता था, और मैं सुपर सेट लगाते रहता था फ्रेंड्स। तो इसको आपको भी फॉलो करना है फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने गंजी को खोल के करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस छोटे से वीडियो में आपको मुझे यही बताना था फ्रेंड्स, अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक करके जाना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करना फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट पे फ्रेंड्स ये करके बताना कि मैं अपना जो मैंने ये सेटअप किया मैंने अपने माइक का, ये आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप कमिंग वीडियोस में, टेक केयर, कीप सपोर्ट एंड बाय बाय।